मैं द बॉटनिक चैनल की तरफ से आपको इस औषधीय पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं। इसका भाजी के रूप सब्जी के रूप में हम लोग काफ़ी प्रयोग करते हैं। यह जो पौधा देख रहे हैं इसको सूरन या जमीन कंद के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का जड़ है जिसके बहुत ही गुण हैं। इसके जड़ को हम लोग खाते हैं। यह गर्मी के मौसम में बरसात के शुरुआत में धरती से खुद पर खुद बाहर की तरफ निकलता है और दशहरा के समय या होली के समय इसका काफ़ी उपयोग है। यह पौधा इसे सूरन कहते हैं। यह दम्मा के रोगी के लिए काफ़ी लाभदायक है। अगर जो किसी को दम्मा की बीमारी है तो 250 ग्राम जमीन कंद, जो जमीन कंद मतलब जो धरती के अंदर इसके जड़ हैं, उसको निकाल कर छोटे छोटे टुकड़े करके इसको 250 ग्राम गुड़ मिलाकर 60 ग्राम नमक के साथ एक मिट्टी की हाँड़ी में बंद करके आग पर रख दें। जब सभी वस्तुएं जलकर राख हो जाए तब हाँड़ी को उतार कर उस राख को कूट कर शीशी में रख लें। इस राख को 1-1 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम शहद में मिलाकर दिन में 2-3 बार चाटने से या पान में रख कर खिलाने से बलगमी मतलब कफ का खांसी और दम्मा में काफ़ी लाभ करता है। अतः ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।